ज्योतिसर तीर्थ में बनी पीर की मजार को कुछ युवकों ने तोड़ दिया। युवकों ने मजार पर भगवे रंग के कपड़े का झंडा भी लगाया। मजार के एक हिंदू परिवार देखरेख करता है। मजार तोड़े जाने की सूचना मिलने पर मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मजार तोड़ने वाले युवकों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही ज्योतिसर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मजार तोड़ने वाले युवकों को अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार आज शाम करीब 3-4 बजे 5-6 युवक एक कार में सवार होकर ज्योतिसर पहुंचे। जिस कार में सवार होकर युवक आए थे उस पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा हुआ था। आते ही युवकों ने ज्योतिसर पर पीर की मजार पर लगी टाइलों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक युवक ने मजार पर भगवे रंग के कपड़े का झंडा भी लगाया। मजार तोड़े जाने की सूचना मिलते ही गांव ज्योतिसर के लोग वहां पहुंच गए। मजार को टूटा देख ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीणों ने मजार तोड़ने वाले युवकों को घेर कर उनकी जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को ग्रामीणों से छुड़वाया और उन्हें अपने साथ ले गई। ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई से युवकों को चोटें आई हैं। थाना के यूके प्रभारी राजपाल के अनुसार पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कुछ दिन पहले भी ज्योतिसर तीर्थ में मंदिर परिसर के नजदीक झील वाले पीर के मजार को कुछ शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया था। शरारती तत्वों ने मजार की टाइलों को तोड़ दिया था। मजार की एक हिंदू परिवार देखरेख करता है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कुरुक्षेत्र पीर की मजार तोड़ने पर जहाँ ग्रामीणों ने हिंदू संगठनों के लोगों को पीटा, वहीं मजार तोड़ने आए लोगों से हथियार भी बरामद हुआ। गीता स्थली ज्योतिसर में आज एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आया। घटना दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच की है, जब कुछ लोग ज्योतिसर तीर्थ के नजदीक बनी पीर की मजार तोड़ने पहुंच गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया और आपसी झगड़े में कुछ लोगों को चोटें भी आई और ग्रामीणों ने मजार तोड़ने आए लोगों से हथियार भी बरामद किया। सबसे जरूरी बात, इस घटना में किसी और धर्म के लोगों का कोई हाथ नहीं रहा, दोनों तरफ से हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही रहे। ग्रामीणों ने बताया कि वो इस मजार पर अपने पूर्वजों की सालों से पूजा करते आ रहे हैं और आज कुछ लोग उस मजार को तोड़ने आए, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। इस प्रकार ये लोग पहले भी मजार को तोड़ने आए थे, लेकिन किसी तरह से लोगों ने उन्हें वहां से बिना तोड़े वापस जाने को मजबूर कर दिया था। पुलिस अधिकारी सुभाष चंद ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग मजार को तोड़ने आए थे और उनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि एक युवक से असला भी बरामद हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है पुलिस इसकी जांच कर रही है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें इस मशीनों की आवाज आई, घर बैठे थे, कोई ज्यादा दूर नहीं, 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आवाज आई तो हम वहां से निकले तो देखा कि काफी गाड़ियां पीर के मजार जो बाबा है उसके वहाँ खड़ी थी, तो हमने देखा तो जाके वो काफ़ी कम से कम 70-80 बंदा था जो वहाँ तोड़ फोड़ कर रहा था। तो हमारे पीछे बजे, हम थे 4 जने उस टाइम, तो हम वापस ही भाज के गांव में रुका मारे माना ब्याह से ऐसे, जो आज से 10 दिन पहले घटना हुई थी वो घटना दोबारा होगी। तो गाँव राव निकल गया तो कुछ जितना हम पे चला, कुछ उनके खाए, कुछ हमने मारे, कुछ उनकी गाड़ी का, कुछ उन पे लगे, पहले उन पे उन्हें हम पे पिस्तौल तानी और डंडे मारे और तलवारें निकाली, टी शर्टें डाल रखी थी सारी, वो लिख रखा था उसके ऊपर कुछ शिवसेना वगैरह। एक गाड़ी उनकी मौके पर ख़राब हो गई, वो भाजने लगे तो बिचड़ के वो छिदबड़ हो गए, पट गए, तो जिनमें से 5-7 जने पकड़े गए। गाँव राम ने इकट्ठे हो गए, उनका अच्छी से पिटाई की, सेवा कर दी और चौकी थाने में ले आए। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो एक वीडियो आज से 4-5 दिन पहले लीक होली थी, जब ये पहले घटना करके गए थे, वो वीडियो दब करी थी, पता नहीं किस तरह वो लीक होगी। उसकी आईडी थी अनुष्का प्रिंस के नाम से, आज वो मैंने अब सर्च करी, मैंने दिखानी थी पुलिस को, तो आईडी खुली नहीं। सिरोड़ा ये भड़काना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम, हम मुस्लिम और हिंदू सारा गाँव रहा हूँ, जद्दी पर्सनल जगहों पे बैठे हैं ये बुजुर्ग, हमारे गांव में 11-12 बुजुर्ग हैं, पता नहीं हमारे बुजुर्ग इनको कब से मानते आ रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। हिंदू ब्राह्मण सभी प्रकार की जातियाँ हमारे गांव में 36 से भी ज़्यादा जाती है, सभी मानते हैं। साल में एक उर्स भी होता है, जो भी मेला भंडारा करते हैं सब काम होते हैं, जिसमें बाहर के लोग भी पर्यटक आते हैं ना, जब भंडारा चलता है तो वो भी खाना खुना खा के यहाँ जाते हैं। ऐसा जी आज करीब 3:30 बजे सूचना मिली थी कि ज्योतिसर में झील वाले पीर पे कुछ लोग जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस भी पहुंची और बाद में पता लगे कि भी कुछ लोगों को गांव वालों ने
मौके से पकड़ भी लिया और पुलिस के साथियों ने और गांव वालों ने मिलके, और उसमें गांव वालों की कंप्लेंट पे जो पीर की सेवा करता है उसकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भड़काने का भी मामला सामने आया, भड़काया भी गया, ऐसा है, अभी जांच चल रही है। क्या कोई असला भी बरामद हुआ है? कुछ लोगों को राउंड अप भी किया? हाँ, कुछ लोगों को राउंड अप किया है। क्या कोई असला भी पकड़ा गया? असला था एक आदमी के पास, परंतु उसकी भी जांच चल रही है क्या वो इनके साथ था या नहीं था। असला तो हुआ ना बरामद? नहीं, है असला एक आदमी के पास, परंतु ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो उनके साथ था या कैसे था, क्योंकि वो गांव वाले बाद में पकड़ के ले आए थे। किस संगठन के हैं ये? अभी हमें नहीं मालूम हुआ है, जांच करेंगे। मेरे हिसाब से 7-8 लोग हैं। उनको चोटें भी लगी? हाँ, कुछ वो FIR में लोगों ने लिखा है कि गांव वालों का उनका जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ आई है चोटें। थैंक यू।